और बिजली कौन रह जाए सोना चबा है। कहने लगा महाराज हुक्म कीजिए, क्या कोई नाग वंश में छत्री नहीं है? काम बताओ। सोई नागिनी भागी और तक्षक की कलाई पकड़ी है। महाराज कहां जा रहे? तुम्हें मालूम है इतने इतने वीर नाग बैठे, इनकी हिम्मत नहीं काम की है। तुम्हें नाम नीवे के लिए भागी दे, जिंदा लौट के नहीं आओगे। तक्षक कहने लगा नागिनी मेरी कलाई छोड़ दे, अब हम जरूर जाएंगे। तो नागिनी कहने लगी महाराज अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी चलूंगी। तक्षक कहने लगा तुम्हारा वहां का क्या काम है? नागिनी कहने लगी महाराज बस हम दूर खड़े होके केवल यही देखेंगे कि दुश्मन को तुम कौन से दाएं से मारते हो और दुश्मन तुम्हें कौन से दाएं से मारे है। नहीं मानी, तक्षक चला है। इधर रानी बाछल जो है रंबू जाट से बोली भैया बैल भी थक चुके हैं, धूप ज्यादा है और काफी दूर निकल आए। अब हमें ये भी नहीं मालूम है कि रथ जो है किस रास्ते से ज्यादा है। ऐसा करो भैया थोड़ा आराम कर लो। और बोली रानी और निकदू फेरी बिलमाई ने निकल जाई तबिया ने तू फेरी
इधर रंबू जाट ने रथ खड़ा कर दिया, बैल छोड़ दिए हैं और रानी रथ में बाबा गुरु गोरखनाथ की आन लगा देती है और मैया रथ में लेट जाती है। इधर तो रानी रथ में सो रही है और इधर तक्षक काना हुआ। जैसे ही तक्षक रथ पे चढ़ना चाहा, बाबा गुरु गोरखनाथ की आन लगी थी, तक्षक रथ पे नहीं चढ़ पाया। चारों तरफ चक्कर काट रहा है, इधर हवा का ऐसा झोंका आया कि मैया के साड़ी का पल्लू जो था रथ से नीचे लटकने लगा। जैसे ही नीचे लटकने लगा, तक्षक उसी के द्वारा जो है रथ पे चढ़ गया। क्या देखा, ये तो रानी गर्भवती है। अरे इस राजा ने हमें भेजा तो भेजा कहां है, अगर इस पे हम वार करेंगे तो मेरा क्षत्रिय धर्म ये नष्ट हो जाएगा। नीचे उतर आया, फिर सोचने लगा, भरी सभा में मैंने वीरा को लिया है, अगर इसे हमने नहीं मारा, अगर लौट के पहुंचे तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोबारा फिर कर रैया की। इधर हमारे बाबा जहार वीर महाराज की गर्भ से आंख खुली, तक्षक रानी बाछन की छाती पे बैठ गया। जो ये नजारा बाबा जी ने देखा, मारे क्रोध के मारे मैया की कलाई उठाई तो ऐसी तक्षक की मारी है जो तक्षक पहिया से लपेटा खाता हुआ जमीन पर धड़ाम से गिरा। जैसे ही तक्षक जमीन पे गिरा, वैसे ही नागिनी भाज के आई गई, बोली सैया आंखें खोलो, बहुत बड़ी इनाम लीवे के लिए आए थे, मैंने बहुत मने किया था लेकिन तुमने नहीं पाई, बहुत भारी बतिया थे ना, छत्री थे। नागिनी के कान में आवाज पड़ी तो को भरी, तो तक्षक ने फिर कर रैया करी। रथ पे तो नहीं चढ़ पाया लेकिन उसने क्रोध में आके रानी बाछनी के दोनों बैलों को डस लिया। जहर का नशा बढ़ता है, जमीन पे गिर के दोनों बैल जो थे वो खत्म हो जाते हैं। जैसे ही बैल खत्म हुए, इधर माता बाछन की जो है रथ में आंख खुल गई, रंबू जाट से कहने लगी, भैया चलो देरी हो रही है, रथ आगे बढ़ाओ, बैलों को लेके आओ। रंबू जाट पैना मार रहा है लेकिन बैल जो है टस से मस नहीं कर रहे हैं। जो रंबू जाट ने देखा कि बैल मर चुके हैं, रानी बाछन से कहा है, मैया ना जाने क्या होने वाला है, बैल तो ये खत्म हो चुके हैं। सोई रानी बाछन ने मारे क्रोध में आके रथ में मूड़ मार दिया। क्रोध में आके रानी बाबा गुरु गोरखनाथ को गाली देने लगी कि हे बाबा, जब से मैंने तुम्हारी सेवा की एक पल भी मैंने चैन से भोजन नहीं कर पाया। अब ये एक तो मैं घर से निकाली गई, दूसरे न जाने कहां पे आ गई, और ये बैल भी मर चुके हैं। और रानी क्रोध में आके बाबा गुरु गोरखनाथ को गाली दे रही है। अरे मर जइयो तुम गोरखनाथ, मुसीबत कैसी डारी, रखी मारी गई पनपी चपनी में लग गई आगी। यार पैर की मारी गई पनपी चपनी में लग
आमा कहा करे किता जा